चंडीगढ़ का जो एयरपोर्ट है, जब यहाँ से उसने फ्लाइट लेनी थी तो जो CISF की कांस्टेबल थी कुलविंदर कौर, उन्होंने उन्हें तमाचा रख दिया है और उसके बाद जो है अंदर बवाल हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुलविंदर कौर थी वो CISF में बतौर कांस्टेबल यहाँ पर काम कर रही थी और जब कोई पैसेंजर जाता है तो उसकी चेकिंग करती थी। ये वही रास्ता है जहाँ से करीब 2:30 बजे आज कंगना रनौत जो है वो दिल्ली की फ़्लाइट पकड़ने के लिए यहाँ से अंदर जाती है और जब चेकिंग की जाती है तो उसी दौरान जो है वो कुलविंदर कौर उन्हें थप्पड़ रख देती है। कहा जा रहा है कि जिस तरह से किसानी आंदोलन के दौरान जब कंगना रनौत ने टिप्पणी की थी उससे नाराज़ थी तो उसको लेकर जो है वो उन्होंने उन्हें थप्पड़ रख दिया। साथ में जो उनके पॉलिटिकल मीडिया एडवाइज़र थे उन्होंने भी बदले में जो है एक कांस्टेबल को जो है वो थप्पड़ रखा है, तो अंदर काफ़ी माहौल जो है वो गर्म है। तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहीं से करीब 2:30 बजे कंगना रनौत अंदर जाती है। 3:30 बजे की फ़्लाइट थी उनकी दिल्ली के लिए, लेकिन यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं उनके साथ जो है एक हादसा हो जाता है और जो CISF की कांस्टेबल है उन्हें यहाँ पर थप्पड़ रख देती है। हालांकि उसके बाद जो है कंप्लेंट की गई है और उन्हें अब जांच किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से जो वीडियो निकल कर आ रहा है तो इससे लगता है कि क्या ये संयोजित यानी कि पहले से ही सोची समझी कोई इस तरह से कि वीडियो भी बनाया गया और उसके बाद जो है क्या ये पहले से सोचा गया था कि इस तरह की हरकत जो है वो कांस्टेबल करेगी। तो अब पूरा जाँच जो है वो चल रहा है और CISF के अधिकारी जो हैं इसकी जाँच कर रहे हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कंगना रनौत ने जो है वो शिकायत दर्ज की है, तो अब कहीं ना कहीं जाँच इसकी होगी और क्या कुछ इस जांच में निकल कर आता है, क्या ये पहले से ही जो सोची समझी रणनीति के तहत जो है उसे थप्पड़ मारा गया है या फिर जो है वो एकाएक इस तरह की हरकत जो है उस कांस्टेबल ने की है, और ये सब कुछ जांच का विषय है। तो अब जब जांच होगी तब निकल कर आएगा। लेकिन जिस तरह से अभी हाल ही में निर्वाचित जो सांसद है कंगना रनौत और आज पहली बार वो जीतने के बाद जो है वो दिल्ली जा रही थी, लेकिन चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जो है उनके साथ इस तरह का जो है कहीं ना कहीं उन्हें थप्पड़ रखा जाता है, तो अब ये जांच चल रही है और उसके बाद अब देखना होगा क्या कुछ निकल कर आता है। वीरजन सचिन के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज नेशन चंडीगढ़। तो इस पूरे थप्पड़ कांड को लेकर एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। थप्पड़ कांड पर कंगना रनौत की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। मुझे थप्पड़ मारा गया, मुझे गालियां दी गई है, कंगना रनौत की तरफ से यह बात कही गई है। उनका भी रिएक्शन, उन्होंने भी अपनी बात रखी, लेकिन बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले पर उन्होंने कहा कि मुझे थप्पड़ मारा गया और उसके बाद गालियां दी गई। क्या कुछ कहा कंगना ने, सुनिए। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहां पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने मेरे उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतजार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं और आई एम सेफ। तो एक और बड़ी खबर इसी बीच है। हिमाचल के पूर्व CM जयराम ठाकुर का इस पूरे मामले पर बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। बड़ी खबर, उन्होंने कहा कि कंगना के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। बड़ी खबर है कि हिमाचल के पूर्व CM जयराम ठाकुर ने कहा है कि कंगना के साथ जो कुछ हुआ वो दुखद है, इसकी जाँच होनी चाहिए। क्या कुछ कहा इन्होंने, जरा सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हमारे साथ हैं। ठाकुर साहब, जिस तरह से चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत को थप्पड़ मारा जाता है, क्या फर्स्ट रिएक्शन है? देखिए, जो भी घटना हुई है अभी पूरी जानकारी उसकी नहीं मिल पाई, क्योंकि कोई भी उस जानकारी के बारे में ज़्यादा हमको तफसील नहीं दे रहे हैं, डिटेल्स नहीं दे रहे हैं। हम तो पहुँचे ही अभी एयरपोर्ट हैं, लेकिन फ़ोन करके हमने कोशिश की, लेकिन मालूम पड़ा कि इस तरह की घटना हुई है, अनफॉर्चुनेट है। और चुने वो प्रतिनिधि के साथ इस प्रकार का होना तो मैं समझता हूँ गलत है। और क्या डिमांड करते हैं, क्योंकि वो भी हिमाचल से आती हैं, पहली बार जो है वो सांसद जा रही थी, पहली बार आज दिल्ली जा रही थी जीतने के। देखिए, एयरपोर्ट पे तो सुरक्षा का कवच कितना मजबूत होता है, उसके बावजूद ये घटना घटित होती है तो ये तो बहुत विचित्र लग रहा है सब कुछ। तो क्या डिमांड क्या है आपकी? नहीं, कानून के मुताबिक कार्यवाही होनी चाहिए।